কলকাতার মুক্ত রামবাবু স্ট্রিটে কংগ্রেসের 138তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস সমর্থক উপস্থিত ছিলেন এবং অনেক ওয়ার্ডে জন্মদিন পালিত হয়েছিল। এই উপলক্ষে স্থানীয় নেতারা কি নিয়ে কথা বললেন, কংগ্রেস তাদের চিন্তায় যা বলেছে তাই করেছে। আর মানবতা মে হি বিশ্বাস রাখনে ওয়ালা দেশ হ্যায়, धर्म निरपेक्ष तो हमारी देश की सबसे पहली नीति रही है और आज भी वही धर्म निरपेक्ष आज युवा में भी देखेंगे, क्योंकि युवा जो शक्ति है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बहुत सारे युवक हैं, हमारे वृद्ध परिजन भी हैं जो उनसे ही शिक्षा लेकर के ये आगे बढ़े, और युवा शक्ति महाशक्ति। आज हमारा देश का युवा जातिवाद में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, उसे सोचने समझने की शक्ति होती है, वो हर चीज़ को समझ सकता है। इसलिए मैं हमेशा से ये युवा शक्ति की बात की, महिला शक्ति की भी बात मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि संसद में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का जो केंद्र सरकार ने वादा किया है उस पर आपका क्या कहना है महिलाओं के? देखिए वादा तो बहुत किए हैं, वो तो कहा नहीं जा सकते, आप समर्थन करते हैं। अब देखिए महिला का समर्थन करते हैं, लेकिन कब करते हैं कि जब महिलाओं के साथ जब बलात्कार होता है, उनके साथ कुछ अन्याय होता है, बहुत सारे हमारे देश में जो घटना घट रही है वहाँ भी हमारी महिला जो MP हैं आज की डेट में, तो उनको आवाज़ उठाना चाहिए। क्या वो सक्षम है? अगर मोदी जी ने कहा है कि वादे जो किए हैं कि महिलाओं को सम्मान अधिकार, हमारे देश ने तो महिलाओं को पहले ही सम्मान अधिकार दिया था, तभी तो हमारी देश की प्रथम प्रधानमंत्री एक महिला थी इंदिरा गांधी। लेकिन आज भी वो वादा तो करते हैं, वो बातें करते हैं, लेकिन वो उतना अधिकार नहीं दिए कि महिला जो सांसद है वो बोल सके। आप बोलेंगे तो निलंबित कर दिया जाएगा, आपके पीछे CBI लगा दिया जाएगा। तो महिला 138वां स्थापना दिवस आज हम लोग पालन किए हैं मुक्ता रामबाबु स्ट्रीट में। आज हम लोग बहुत खुशी का दिन है, आज हम लोग का कांग्रेस का स्थापना दिवस है, और इसी मौके पर हम लोगों ने यहाँ पे एक राजीव गांधी जी के मूर्ति के ऊपर और इंदिरा गांधी जी के मूर्ति के ऊपर हम लोगों ने माला अर्पण करके आज हम लोग ने शपथ लिए हैं कि जिस तरह BJP सरकार, तानाशाही की सरकार, तानाशाही की सरकार, हिटलर सरकार जिस तरह वो हिंदुस्तान को बंटवारा कर रही है, हिंदुस्तान को संविधान को ख़त्म कर रही है, बेरोजगारी को खत्म कर रही है, इसलिए हम शपथ लिए हैं आने वाला 3 हम लोग 2024 में BJP को उखाड़ हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना है और 2024 में कांग्रेस की सरकार को लाना है। आपके कार्यक्रम में देखा गया कि युवाओं की शक्ति कम है, तो इसका कारण क्या है? देखिए युवाओं को शक्ति नहीं, युवा सब तो युवा भी है, यहाँ सब है, यहाँ युवा भी है, महिला सब है, हम लोग सब साथ में है, सब साथ मिलकर हमें सामना दिवस बनाए। आपका युवा बोल के, युवा बोल के ये पार्टी ये कि प्रोग्राम नहीं है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, इंदिरा गांधी।